नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब का अगले मुख्यमंत्री का चेहरा मिल चुका है। जी हाँ, कांग्रेस आलाकमान ने कैबिनेट मंत्री और 3 बार के विधायक चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदारी देने का फैसला कर लिया है। अगले साल फरवरी मार्च में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दलित सिख चेहरों को कमान दी जा रही है। ऐसे में चन्नी सोमवार यानी कि आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और चन्नी को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बधाई दी और कहा कि हमें पंजाब के लोगों से किए गए वादों को पूरा करना जारी रखना है, उनका विश्वास सर्वोपरि है। बता दें, चरणजीत सिंह चन्नी के नाम के ऐलान होते ही चंडीगढ़ स्थित राजभवन जाकर राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और चन्नी के साथ पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद रहे। ऐसे में राज्यपाल से तकरीबन आधे घंटे तक चली मुलाकात के बाद चरणजीत सिंह ने राजभवन के बाहर मीडिया से बातचीत की और सोमवार सुबह यानी कि आज शपथ ग्रहण होने की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि 11 बजे वो और पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री पद से शनिवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद से ही नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कयास लगाए जाने लगे थे। ऐसे में सूत्रों के हवाले से कई नाम सामने आए थे जिसमें पहले राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले सुनील जाखड़ का नाम भी शामिल था और इसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने अंबिका सोनी को पंजाब की जिम्मेदारी देने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सोनी बताया कि वो चाहती हैं कि पंजाब में सिख चेहरा ही मुख्यमंत्री बने और इसीलिए वो पंजाब की सीएम नहीं बनने जा रही हैं। फिर दोपहर होते होते सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम सामने आने लगा और जश्न की तैयारियां भी शुरू हो गई। उनके समर्थक मिठाइयां बांटते हुए भी नजर आए। कहा जाने लगा कि कांग्रेस आलाकमान के पास रंधावा का नाम भेज दिया गया है और किसी भी पल नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन शाम को रहस्य से पर्दा उठते हुए जब विधायक दल के नेता का नाम सामने आया तो वो कोई और निकला नहीं बल्कि चरणजीत सिंह चन्नी का नाम था। चन्नी बता दें, पंजाब की अमरिंदर सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और 3 बार विधायक भी बन चुके हैं। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को फतेह करने के उद्देश्य से लगातार बीजेपी की ओर से जन आशीर्वाद रैली निकाली जा रही है। यही रैली राजधानी देहरादून में भी निकाली गई। बता दें, राजपुर रोड से सर्वे ऑफ इंडिया तक जन आशीर्वाद रैली निकाली गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता का हुजूम देखने के लिए मिला। वो इस मौके पर सर्वे ग्राउंड में विशाल जनसभा का आयोजन भी किया गया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को भी संबोधित किया, साथ ही करोड़ों की योजनाओं का भी शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से जनता के बीच पहुँच रही है, उनकी समस्याओं को जान रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बीजेपी 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाली है। एक जो हमारा एक कार्य संस्कृति जो हमने बनाई है वो आम जन के बीच में वो प्रभावी रूप से जाए, हमारे अधिकारीगण उस पर काम करें, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है और जगह जगह पर पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान शक्ति का, युवा शक्ति का, सबका भरपूर मात्रा में समर्थन मिल रहा है। सभी लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, बहुत स्नेह है। मैं सभी का आभारी हूँ कि निश्चित रूप से उनका ये उत्साह और उनका ये समर्थन हम लोगों को एक नई शक्ति और नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। भारत और उसके पड़ोसी देश नेपाल के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण आज से शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, अभ्यास में दोनों देशों के इन्फेंट्री बटालियन भाग लेगी और दोनों सेनाओं की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों से परिचित होने के साथ साथ दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ पर्वत युद्ध रणनीति, आपदा सहायता, पहाड़ी इलाकों में बचाव और राहत कार्य दक्षता को साझा करेंगी। साथ ही दोनों सेनाएं मानव सहायता
विधियों, जंगल युद्ध, ऊंचाइयों वाले इलाकों में लड़ी जाने वाली जंगें और आपदा राहत विधियों पर एक दूसरे के अनुभव को जानेंगे। इस अभ्यास में पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान को लेकर 48 घंटे का विशेष कठिन अभ्यास शामिल है। बता दें, यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और साझा अनुभव विकसित करने की पहल का हिस्सा है। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच द्विपक्षीय संबंध में सुधार भी करेगा और ऐसे में देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी होगा। आखिरी सूर्य किरण अभ्यास 2019 में नेपाल में आयोजित किया गया था, जिसके बाद आज इसका 15वां संस्करण की शुरुआत की जा रही है। उत्तर प्रदेश में छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में बड़े पैमाने पर अब शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। बता दें, 250 नए इंटर कॉलेजों के साथ 1.38 प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प भी किया गया है। ऐसे में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए छात्रों को दूर न जाने पड़े, इसके लिए प्रदेश में 7 नए विश्वविद्यालय और 50 महाविद्यालय बनाए जा रहे हैं। ऐसे में 35 नए राजकीय आईटीआई और की स्थापना भी युवाओं के कौशल विकास का सपना पूरा किया जा रहा है। वही यूपी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। 7 नए विश्वविद्यालय और 50 डिग्री कॉलेजों के साथ लखनऊ में स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का निर्माण भी किया जा रहा है। यहाँ फॉरेंसिक जांच के साथ छात्र फॉरेंसिक साइंस विषय पर भी पढ़ाई कर सकेंगे। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फॉरेंसिक जांच में महीनों लगते थे, लेकिन अब कमिश्नरी स्तर पर फॉरेंसिक और साइबर लैब स्थापित की गई है। इससे अपराधों से जुड़ी फॉरेंसिक जांचों में तेजी आएगी। वहीं प्राइमरी स्कूलों में बच्चों का बेहतर पढ़ाई का माहौल देने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प भी शुरू हुआ है। इसमें बच्चों के लिए शौचालय, बैठने के लिए बेंच, आकर्षक शिक्षण कक्षाओं का निर्माण हुआ और ऐसे में सुविधाओं बढ़ने के साथ ही स्कूलों में बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। वहीं सरकार ने 250 नए इंटर कॉलेज शुरू कर दिए हैं। ऐसे में शिक्षकों के 5000 से ज़्यादा नए पदों पर भर्ती कर कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता में भी इजाफा किया गया है। साथ ही श्रमिकों के बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा के लिए 18 मंजिलों में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना कर गरीब को सपनों को पूरा किया जाएगा। ऋषिकेश में गंगा आरती में बॉलीवुड अभिनेत्री डेजी शाह पहुंची। बता दें आपको, डेजी ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर पहुंची और गंगा आरती करने का उन्होंने फैसला किया। जानकारी के मुताबिक डेजी देहरादून में किसी उद्घाटन समारोह में पहुंची थी और वहां से ही उन्होंने ऋषिकेश में गंगा आरती में जाने का मन बना लिया। उन्होंने बताया कि गंगा आरती करके उनके मन की उनको शांति मिली और बहुत ही सुखद अनुभव हुआ। आरती और ये के लोगों की प्रशंसा करते हुए काफी खुश भी वो नजर आई। तो बता दें, ऋषिकेश डेजी शाह पहुंची, तस्वीरें देख सकते हैं, त्रिवेणी घाट की ये तस्वीरें हैं जहां पर अचानक डेजी शाह गंगा आरती में शामिल होने के लिए पहुंच गई। ऋषिकेश के प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट पर बड़ी धूमधाम से गणपति विसर्जन किया गया। बता दें, हजारों की संख्या में गणपति ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर लोग लेके पहुंचे और आसपास के शहरों से भी वहां पर घाट पर लोग पहुंचे। बता दें, माहौल एकदम वहां पर मुंबई जैसा नजर आया। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर ढोल नगाड़ों के साथ, डीजे के साथ गाड़ियों में रखकर भगवान गणेश को त्रिवेणी घाट पर लेकर पहुंचे। साथ ही गुलाल अबीर के साथ नाचते हुए भगवान को विदा करते हुए हर कोई नजर आया और यहाँ का माहौल बहुत ही भक्तिपूर्ण होता हुआ नजर आया। बता दें, छोटे बड़े सभी तरह के गणपति को बड़ी धूमधाम से घाट पर लाकर उनको विसर्जित किया गया। ऐसे में गणेश विसर्जन को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए हुए थे। पुलिस प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए थे। साथ ही विसर्जन के समय पर गंगा में डूब न जाए, बह न जाए लोग, उसके लिए भी जल पुलिस का इंतजाम भी किया गया था। साथ में जो सवारियां वहां पर पहुंच रही थी उनके लिए पुलिस और एक ट्रैफिक को डाइवर्ट भी कर दिया गया था और लगातार उनको संभाल का विसर्जन के लिए भेजा जा रहा था। वहीं लोगों ने विसर्जन के बाद गंगा में स्नान भी किया। तो ऐसे में कल गणेश उत्सव का आखिरी दिन था, तो जहां
देश के अलग अलग कोनों में गणपति का विसर्जन किया गया। त्रिवेणी घाट की तस्वीरें हैं, किस तरह से बच्चे नाचते झूमते हुए डीजे की धुन पर गाते हुए गुलाल से खेलते हुए गणपति को विदा करने के लिए त्रिवेणी घाट पर पहुंचे थे। चतुर्दशी है और त्रिवेणी घाट पर गणपति विसर्जन का सुबह से ही ऐसा माहौल बना हुआ है कि यहाँ पर हजारों गणपति विसर्जित किए गए हैं और यहाँ पर जो माहौल है वो मिनी मुंबई जैसा है। और गंगा में जो गणपति विसर्जित किए जा रहे हैं उससे गंगा को पोल्यूशन तो हो ही रहा है, साथ ही जो लोगों की आस्था है वो भी बहुत ज़्यादा महत्व दे रही है। बहुत यहाँ पर ढोल बाजे के साथ गणपति को लाया जा रहा है और फूल प्रसाद चला के आरती करके गंगा में विसर्जित किया जा रहा है। ऐसा माहौल देखकर यहाँ का एकदम भावनात्मक माहौल बना हुआ है। यहाँ पर लाखों की भीड़ हो रखी है और यहाँ का जो प्रशासन है वो लगातार इनकी सुरक्षा में लगा हुआ है। साथ में जो गंगा में कोई बह न जाए इसके लिए जल पुलिस लगी हुई है। साथ ही यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी सारे यहाँ पर पहुँचे हुए। मैं बता दूँ आपको कि आज के दिन यहाँ का माहौल बिल्कुल मुंबई जैसा होता है और यहाँ जो लोग हैं वो हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। देश विदेश से बद्रीनाथ धाम सहित चार धाम यात्रा पर पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर है। दरअसल चार धाम यात्रा शुरू होने के साथ अब चार्टर्ड हेली सेवा भी शुरू कर दी गई है। अब तीर्थयात्रियों को कोविड नियमों के साथ चार्टर्ड चौपर से बद्री केदार दर्शन की अभिलाषा पूरी हो गई है। बहुत जल्द ही डेली बद्री केदार हेली सेवा भी चालू हो जाएगी। बता दें रविवार को सीजन की पहली उड़ान के तहत हरिद्वार पतंजलि के 6 श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम पहुंचे। हेली कंपनी श्री एसोसिएशन के आलोक मेहता के अनुसार चार्टर्ड हेली सेवा की शुरुआत कर दी गई है और जल्द ही अन्य हेली कंपनियां भी इस सेवा का लाभ लेंगी और मौसम अनुकूल रहा तो अब प्रतिदिन ये सेवा जारी रहेगी। IPL 2021 के दूसरे हाफ के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 20 रनों से हरा दिया। चेन्नई ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 6 विकेट पर 156 रन बनाए थे और इसके जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम निर्धारित ओवरों में 136 रन ही बना सकी। ऐसे में IPL 2021 में चेन्नई की ये कुल 6वीं जीत है और अब 8 मैचों में उसके 12 अंक हो चुके हैं। ऐसे में चेन्नई ने इस जीत के साथ ही IPL 2021 के पहले हाफ में मिली हार का बदला भी ले लिया है। दरअसल भारत में खेले गए पहले हाफ में चेन्नई मुंबई के खिलाफ 218 रन बनाने के बाद भी मैच नहीं जीत सकी थी। उस मैच में मुंबई ने हार हुई बाजी भी जीती थी, हालांकि चेन्नई ने उस हार का बदला ले लिया। चेन्नई से मिले 157 रनों के लक्ष्य का पीछा करते उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए जिस वजह से उसे मैच भी गंवाना पड़ा। नियमित कप्तान रोहित शर्मा इस मैच का हिस्सा नहीं थे, ऐसे में उनकी जगह क्विंटन डिकॉक के साथ अनमोलप्रीत भी पारी का आगाज करते वहां पर पहुंचे थे और ऐसे में मुंबई को पहला झटका 18 रनों पर ही लगा। डिकॉक 12 गेंदों में ही 3 चौकों की मदद से 17 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद 35 के कुल स्कोर पर अनमोल भी चलते बने, उन्होंने 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 16 रन बनाए थे। महाराष्ट्र के विदर्भ और मुंबई क्षेत्र में आज से भारी बारिश का अनुमान है। जी हां, बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण विकसित हो रहा है। जैसे जैसे ये और तेज होगा महाराष्ट्र में और ज्यादा बारिश होगी। सबसे पहले विदर्भ क्षेत्र में बारिश होगी, हालांकि ये ज्यादातर पूर्व से पश्चिम तक राज्य के उत्तरी हिस्से को कवर करेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। इसके बाद उत्तरी महाराष्ट्र के बाद पालघर, ठाणे और मुंबई के तटीय जिलों में बारिश होगी। ऐसे में ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, गंगे पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों, झारखंड, दक्षिण राजस्थान के कुछ हिस्से और विदर्भ और तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण और गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। वहीं मध्य महाराष्ट्र
महाराष्ट्र, रायसिला और टच्ची कर्नाटक और केरल में हल्की बारिश संभव है। वहीं दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है। विभाग की ओर से कहा गया है कि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं शाम 5:30 बजे के करीब बता दें तापमान में भी काफ़ी गिरावट देखी गई थी। तो ऐसे में आज मुंबई में भारी बारिश का मौसम विभाग की तरफ से ऐलान जो है वो अनुमान जताया गया है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 4.5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, तो वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में भी बीजेपी नेताओं और मंत्रियों ने भी 4.5 साल में सरकार के द्वारा किए गए काम को जनता के सामने रखा। पहली तस्वीर गोंडा की है, जहाँ पर प्रभारी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह गोंडा के जिला पंचायत सभाघर में पहुंचे, जहाँ उन्होंने बीजेपी सरकार में 4.5 साल हुए कामों की उपलब्धियां गिनवाई। वहीं दूसरी तस्वीर सिद्धार्थ नगर में की सहारनपुर की है, जहां पर सिद्धार्थ सिंह ने कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसे में सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जिसमें उन्होंने प्रदेश की सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी दी। वहीं सहारनपुर में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए सरकार के कामकाज का ब्यौरा भी दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने आम जनता के अंदर माफियाओं के डर को खत्म कर दिया है। बात करें सीतापुर की, तो सीतापुर पहुंचे प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह ने भी कलेक्ट्रेट सभाकर में सांसद और विधायकों के साथ सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर उपलब्धियां उनकी गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2017 में जब योगी सरकार बनी थी, तब सभी किसानों का गन्ने का भुगतान बकाया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने सभी का भुगतान तत्काल करने के निर्देश दिए थे। बातें कर रहे हैं अखिलेश जी, तो एक बस है हमारे कार्यकाल में, एक का विकास नहीं हो, सही बोल रहे हैं अखिलेश जी, और वो है उनका और उनके पार्टी का विकास नहीं हो पाया है। तो जब उनका और उनके पार्टी का नहीं हुआ तो उनको ये थकड़ाड़ी लग रहा है ना, तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो 24 करोड़ लोग हैं माइनस वो और उनके पार्टी, उसके अलावा सबको हुआ है ये, इसका मैंने अभी प्रमाण आपको बीच में रखा है। और आज वो देख देख कर मंदिर और माथा टेक रहे हैं, वो एक्सीडेंटली है, क्योंकि उन्होंने वो हैं राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू, जितने विपक्ष हैं जो आपको आज दिख रहे हैं जाते हुए, चाहे वो उसमें कोई भी हो, वो जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो सब एक्सीडेंटल ही हैं। अरे आम आदमी पार्टी पहुंच गई, कभी नहीं पहुंची थी अयोध्या मत्था टेकने, उसके साथ आप राहुल गांधी तो महान है उसमें, वो तो जनेऊ पहनते हैं, और फिर बचे आपके अखिलेश जी, अब उनके बारे में क्या बोलना, वो तो रोज कहते हैं कि हम हैं असली अहीर, तो हमें हम ही तो करते हैं कृष्ण की पूजा। मैं कृष्ण की कभी पूछा, वहाँ पे मथुरा का कोई कॉरिडोर नहीं बनाया, वृंदावन को कॉरिडोर उन्होंने, वो एक्सीडेंटल ही जनेऊधारी बने हैं। अभी अभी आपको कहना पड़ा कि जो भतीजे जान हैं उनको कोई क्या कष्ट है वो उनको बताना चाहिए, मगर भतीजे जान को कष्ट जो है वो अभी हमें तो समझ नहीं आया है, उनके चाचा जान या तो बता दें या भतीजा। दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, उसमें अभी 36 लोग हैं यहाँ पर उनके परिवार के, जिनको 30 लाख प्रति व्यक्ति को एक धनराशि दी जा रही है, जो 11 करोड़ बनती है। और जो मृत कार्मिक हैं उनके आश्रितों को वैसे 98 को नियुक्ति जो है अनुकंपा की जो नियुक्तियां होती हैं वो की जा रही हैं। समाज के सभी लोगों के उत्थान और उनके विकास की दृष्टि से चर्चा की थी, उसको पूरा करने की दृष्टि से मिशन मोड पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया। मैं ये जो आपको दिया गया है लेट, उसके भीतर जो ये जो सरकारी अभी आपको सब करके दिया हुआ है,
प्रिंटेड तो दिया ना आपको, ये पूरे प्रदेश के भीतर और महिलाओं के साथ छेड़खानी, लव जिहाद, ऐसे सारे मुद्दों पर एक तरीके से नियंत्रित किए जाने में हमारी सरकार ने सफलता पाई है। और आज राज्य के आम नागरिकों के बीच में सरकार के प्रति विश्वास और भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कोशिश किया कानून को हाथ लेने के लिए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। एक समय था जब सरकार की जमीन को, कमजोर लोगों के जमीन को कब्जा करने का माफियाओं को ये पूरी साजिश रहती थी। आज वो माफियाओं पर अंकुश लगा करके और उनकी 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त करके सरकारी कब्जे में ले लिया गया। जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों बिंदुओं पर हमारी सरकार कारगर तरीके से काम कर रही है, यों कह लिया जाए कि कुल मिलाकर के ये 4.5 साल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उपलब्धियों की सरकार रही है, जनता की कसौटी पर खरी उतरने वाली सरकार रही है, जो कहा उसे पूरा करके दिखाने वाली सरकार रही है। और साथ ही साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो हमारी सरकार का संकल्प रहा, उस संकल्प पर हमारी सरकार 100% खरा उतरने का प्रयास किया है। हम जनता के घर तक, जन जन तक पहुंच रहे हैं और उसको अपना सर्वे किरदार बना रहे हैं। जिस रायबरेली में और जिस अमेठी में इन लोगों ने अपने घर की सीट समझ रखी थी, वहाँ का विकास कार्य जरूर, जब हमारी सरकार बनी है तो हम लोगों ने आज यही कारण है कि अमेठी से कहीं ना कहीं उन लोगों को उनके जड़ को उखाड़ फेंका गया है और रायबरेली में भी अब वो चीज़ें हो रही हैं। मैम, क्या लगता है 2022 में कितनी सीटें तो भाजपा को मिलेंगी इस बार? 6 महीने बचे चुनाव के। मैं आप लोगों को 2017 की याद दिलाऊंगी, जब इलेक्शन चल रहा था, इवन वोटिंग भी हो गया था, तो ये जो समीक्षात्मक जो चैनल्स पर जो बातें चल रही थी उसमें किसी ने भी कल्पना भी नहीं की थी कि हम 300 से ऊपर सीटें लेकर आएंगे भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद सभी शॉक्ड थे, 2022 में भी वही होने वाला है, प्रचंड बहुमत के साथ हम आएंगे और ऐसा बहुमत होगा कि आप सब हक्के बक्के रहेंगे। मैम, 2022 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि वहीं जालौन में कानून व्यवस्था को लेकर निशाने पर रहने वाली पुलिस ने सराहनीय काम कर सभी की बोलती बंद कर दी है। जहां जालौन पुलिस ने 4,35,000 रुपए की कीमत के खोए या चोरी हुए 30 मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को वापस कर दिए हैं। वहीं अपने खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी देखने के लिए मिली, साथ ही लोगों ने जमकर पुलिस की प्रशंसा की और पुलिस का आभार भी व्यक्त किया। आपको बता दें कि अलग अलग क्षेत्रों में इन सभी फोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने साइबर टीम और सर्विलांस टीम के साथ मिलकर इन सभी फोनों को बरामद कर उनके असली स्वामियों को वापस लौटा दिया है। तो ऐसे में जालौन पुलिस का ये सराहनीय काम देखने के लिए मिला है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।